तो मैंने जब अर्चना को फोन किया था तो आई रिमेम्बर कि वो इस फिल्म की इतनी बड़ी हिस्सा बन चुकी थी क्योंकि वो जो मिसेस ब्रगैंजा जो है जी, और वही जो किरदार मैंने फिर से वापिस कभी खुशी कभी गम में फिर से डाल दिया एज पू, तो एक्चुअली लेकिन पू का इंस्पिरेशन मिसेस ब्रगैंजा ही थी हमेशा, और जिस तरह उन्होंने निभाया था शी वाज बैंग ऑन। अर्चना जी बिल्कुल ऐसी है, कोई भी किरदार करें उसमें खा जाती है ये। हाल ही में तो ये सिद्धू जी को खा गई। मैम जब आप इंडस्ट्री में आई थी, आप भी आई वाज 16 राइट? आई वाज 16, आई वाज। देख लो वक्त कैसे उड़ता है। क्या कहना चाहेंगे अर्चना मैम आप? 40 साल पहले आप इंडस्ट्री में आई थी, आज आई मीन नहीं 38 करेक्ट 38 years ago. But you know, but do you know something? Really? What an achievement it is to spend 38 years working in the film industry. बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप बोल रहे हो कि in for 38 years आप काम कर रहे हो इस फिल्म इंडस्ट्री में, जिस जहाँ पे हम कहते हैं जिसका उतार चढ़ाव इतना होता है और जहाँ पे लोग ज्यादातर एक या दो साल में टिकते भी नहीं है। तो आई थिंक इट्स hats off. थैंक यू डार्लिंग। अच्छा करण सर, मतलब आप सब जानते हैं सीरियस हो गए हो ना? मैं आई एम नॉट टॉकिंग। तुम तो बिहेव कर रहे हो कि टॉक शो होस्ट बना दिया तुमने अपने आप को। हैव अ लुक एट द फ्रूट्स। आई मीन आई एम लुकिंग एट सलमान खान इज द प्रोड्यूसर। ये मुझे लगता है मुझे लगता है कि 4-6 एपिसोड से यही फल पड़े हैं। नहीं सर, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, बीच में ड्रैगन फ्रूट कहाँ है? हमने बोला भी था अमीर डायरेक्टर आ रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट रखना है। एनीवेज अनार इज आल्सो वेरी कॉस्टली सर, वी हैव ब्लैक ग्रेप्स। आप रख लो, अब रख लो आप, ठीक है। हाँ, तो ब्लैक ग्रेप तो तुम खुद लग रहे हो तो ठीक है। डिजाइनर यू आर सेकंड टाइम फायर्ड। अच्छा मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि 15-20 काम पकड़े हुए हैं आपने, मतलब मैं इतनी पुरानी दोस्ती भी है इनकी। अबे सच में मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारा शो ना होता आप मिलते कैसे? जब से मैं काजल को जानता हूँ उसकी जिंदगी में 5 या 6 मैक्सिमम मैं कहूंगा 7 दोस्त होंगे। अच्छा, बचपन के दोस्त हैं, कुछ इंडस्ट्री के बने हुए, कुछ फैमिली रिश्ते हैं, लेकिन निभाना अगर किसी से सीखे तो वो काजल से सीखे। मैं काजल को कुछ 30 सालों से जानता हूँ, 1 साल भी नहीं है जो उसने मेरा जन्मदिन याद रखा है, लेकिन वो हमेशा एक दिन पहले फोन करती है या एक दिन बाद। वो 25 मई मेरा जन्मदिन है। लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि काजल ने मुझे 25 मई पे फोन किया हो। वो फोन पे बात नहीं करती, किला चिल्लाती है, वेयर आर यू, व्हाई डिड यू कॉल मी, और आई एम लाइक अच्छा सॉरी हम मिलते हैं मिलना। तो काजल का यही है प्यार उसके, और एक झप्पी जो देती है ना काजल, तो If you have a bad back, she can break your back. अगर तुम्हारे ribs खराब है तो वो तोड़ देगी। लेकिन जो काजल का प्यार, काजल की मोहब्बत, काजल के रिश्ते, काजल ही समझ सकती है और काजल ही निभाती है। I mean, she's amazing with her relationships. She's the best mother you can have, best wife you can think of, daughter-in-law. उन डिपार्टमेंट्स में तो मैं सब बोलते हैं कि काजल हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री है। I would say she's an even better person. And that is an important thing to know. पर हमने सुना है काजल मैम को ज्यादा 100 में से 99 लोग तो पसंद ही नहीं आते। हाँ, इसीलिए तो कम दोस्त हैं। इसलिए तो मैंने कहा ना 7 लोग हैं। कहते कि जब अजय सर से पहली बार मुलाकात हुई इनको अजय सर भी पसंद नहीं आए थे। बिल्कुल, मैं जानता हूँ ना, मुझसे पूछो। मैं बोलूं? नहीं। तो मैम जब आप करण सर को पहली बार मिली थी आपको पहली बार में पसंद आए थे? नहीं, हंसी थी पागलों की तरह। ये हंसी क्यों थी मैम? अब बोलो। एक्चुअली मैं एक फिल्मी पार्टी पे गई थी और मैं वहाँ पे पहुंची और मैं इट वॉज इन अ डिस्कोथेक, सो इट वॉज इन अ डिस्कोथेक एंड वी वर एट इट वॉज लाइक अ बार एंड ऑल दैट एंड कट टू मिस्टर जौहर आए और एक 3-पीस सूट में, मतलब अंदर का टाई वाई पहन के पूरा स्टैंडिंग लाइक दिस। तब आई वाज लाइक आई हैव स्टार्टेड लाफिंग, मैं इतना हंसी हूँ, इतना हंसी हूँ उनको देख के। अच्छा, मतलब 21 साल का लड़का, मैं 21 नहीं था, सारी डिटेल्स रॉन्ग है। मैं 17 साल का था, तुम 15 साल की थी। आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। अरे आई एम टेलिंग यू आई एम 17 बाबा, 21 आई वाज असिस्टिंग नियरली ऑन दिलवाले। 17 इयर्स ओल्ड का मैं था। मैं और मुझे मैंने 3-पीस सूट पहन लिया था टाई के साथ। मुझे सोचा, मैंने सोचा था कि फिल्मी पार्टी है तो सच सच के जाना तो बनता है, तो मैं वहां गया था। और काजल तो तनु आंटी जो इनकी मदर है
तो हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, पापा और मम्मी, तनु आंटी को सालों से जानते हैं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अरे ये करण है, यश और हीरो का बेटा, और ये काजल है. तो वो उसने मुझे देखी ऊपर नीचे और वो हंसने लगी, उसने फ्रेंड के साथ थी, तो मैंने देख लिया कोने से कि ये हंस रही मेरे ऊपर. मैंने चलो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ. तो फिर तनु आंटी ने कहा व्हाई डोंट यू ऑल गो एंड डांस. तो हम डांस कर गए थे. अरे मैं अपना डांस करने लगा बड़ा कूल स्टाइल, और ये बस हंसी रही थी, रोकने का नाम नहीं लिया उसने. 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा कौन हंसता है किसी और के ऊपर. I mean, मैं इतना ह्यूमिलिएट हुआ उस पार्टी को छोड़ के मैं चला गया वहां से, क्योंकि मुझे सही मैं इससे ज्यादा मैं इंसल्टेड मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया जो उसने मुझे. तब से फिर उसके बाद हम एक और पार्टी में मिले थे जो हैना फिल्म की प्रीमियर थी, और तब काजल को शी वॉज हैड अ बिग क्रश ऑन अक्षय कुमार. I remember. अभी बोल सकते हैं ठीक है, अभी हो गए. तो पूरे प्रीमियर में वो अक्षय कुमार को ढूंढ रही थी और मैं उसका सहारा बन गया था. सीक्रेटली मैं भी शायद अक्षय कुमार ही को ढूंढ रहा था. तो आई वॉज लाइक हम दोनों चल पड़े. अक्षय कुमार तो नहीं मिला लेकिन हम एक दूसरे को हम मिल गए. वी बिकम कोई मिल गया, फ्रेंडशिप हो गया वहाँ. तो उसी से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई. फिर हम दोनों साउथ बॉम्बे में रहते थे. पूरी इंडस्ट्री नॉर्मली बैंड्रा वर्सोवा जहाँ आप रहते हो. तो नहीं नहीं हम और पीछे अंधेरी. अच्छा ओके सॉरी नोबडी इज परफेक्ट. तो ठीक है हम साउथ बॉम्बे के रहने वाले थे तो जियोग्राफिकली भी एक टच आसान था. तो फिर काजल आने लगी मेरे घर, मैं उसके घर आने लगा, और फिर वहां से हमारी करीबी जो दोस्ती है वहां से शुरू हुई. साउथ बॉम्बे वैसे एक्चुअली मैंने, अच्छा हम नए नए आए थे तो हमें नहीं पता था कि हम तो सारा बॉम्बे लगता था. कहीं पे भी चले जाते थे. बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो अभी सीलिंग की वजह से तो डिवाइड होता है, वरना एक साउथ बॉम्बे के अपने लोग थे actually. और फिर बैंड्रा, तो मैं जहाँ पला बड़ा था तो लोग वहाँ हिंदी पिक्चरें देखते नहीं थे. वैसे देखते थे कि यू नो कि हु आर यू इफ यू आर फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. तो मैं सबको झूठ बोलता था कि मेरे फादर बिजनेसमैन है. तो एक दिन वर्ली नाका पे मेरे फादर की फिल्म का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था. फिल्म का नाम था मुकद्दर का फैसला, जो मीनिंग इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है. तो उसका पोस्टर, वाह यश जौहर पता नहीं इतनी प्राउडली उतना नाम इतना क्यों लिख दिया था उन्होंने उस फिल्म के ऊपर. और प्रकाश मेहरा जो फिल्म के निर्देशक थे उनका नाम छोटा था, मेरे बाप का नाम काफी बड़ा था. तो स्कूल में मैं कोई आई थिंक मैं कोई 8th या 9th स्टैंडर्ड में था तब. तो वो सलग पूछने लगे कि ये तुम्हारे फादर है यश जोहर जो पोस्टर हम देख रहे हैं? नॉट एट ऑल, वो तो कोई और है, मेरे फादर तो बिजनेसमैन है. उसके बाद स्लोली जब मैं कॉलेज चला गया तो मेरे पापा ने एक पिक्चर बनाई थी अग्निपथ. वो अग्निपथ चली नहीं थी लेकिन एक कल्ट लव था स्पेशली लड़कों के बीच में. अर्चना थी उस फिल्म में और वो फिल्म में एक बड़ा कूल फैक्टर था. सारे जो यंगस्टर्स थे बहुत अच्छा लगा था उन्हें कि एक अमित जी एक नए रोल में. अंडरवर्ल्ड की कहानी थी, कूल स्टाइल शूटिंग हुई थी. तो तब सारे लड़के आने लगे, मुझे बोले कि अग्निपथ क्या तुम्हारे पापा ने बनाई थी? व्हाट अ फिल्म. आई लाइक यस यस अर्चना ने अग्निपथ में बड़ा सेक्सी नंबर भी किया था. अली बाबा मिल गए 40 चोरों से. और ये अर्चना शायद जानती नहीं थी कि वो एक गाना जो था वो झुम्मा चुम्मा था वो सिचुएशन. अच्छा? में हाँ. लेकिन अमित जी ने जब वो गाना सुना तो उनको लगा वो हम में बेटर जाता है. तो हाँ. हमारे फिल्म से वो निकल गया गाना. और ये दो दिन तक वेट करते रहे हम गोवा में आपके फादर के एक्सपेंस पर 5-स्टार होटल में. वो दोबारा गाना रिकॉर्ड हुआ फिर हमने शूट किया अली बाबा. और अर्चना जी क्या लगी थी स्विम सूट में अग्निपथ में. नहीं पर उसके बाद जब आपने दोबारा अग्निपथ बनाई सर, इसमें कहां तक सच है कि जो संजय दत्त साहब ने रोल किया कांचा चीना का वो पहले अर्चना जी को ऑफर हुआ था? आई मीन नहीं अफवाहें आती रहती मार्केट में. आई मीन मैं झूठ नहीं बोलता, थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी लेकिन लेकिन उसके बाद संजू का के पॉइंट्स थोड़े ज्यादा निकले उस सर्वे में. तो हम इसलिए हमने वो रोल फिर संजू को ऑफर किया. मतलब कितनी फिट है? आपने करण भैया को अपनी फिटनेस के लिए थैंक यू किया? वो क्यों बोलेंगे थैंक यू? क्योंकि अपनी फिल्मों में कितना व्रत रखवा के इनको फिट किया है ना. बिल्कुल तुम भी व्रत रखा करो, हफ्ते में 15 दिन रखा करो. मैं हाँ व्रत रखूं? हाँ व्रत होते हैं भैया करण जोहर की फिल्मों में. हाँ. समझे, जहाँ हीरोइन के पास मनीष मल्होत्रा की साड़ी. हाँ. डायमंड का नेकलेस. सास वही जया बच्चन जैसी. हाँ. ससुर अमिताभ बच्चन जैसे. हाँ. 100 करोड़ का बंगला. हाँ. इधर देखो पति बच्चा यादव जैसा. हाँ. घर के पीछे भैंसों का तबेला. इनकी फिल्मों में फूल गिरते हैं, हमारे उधर बैक टू बैक गोबर पे गोबर.
भाभी अगर आप जाओ तो मैं थोड़ा बातें कर लूं, इंटरव्यू कर लूं। इंटरव्यू? एक मिनट भैया जी, एक मिनट, सुपर हो भाई, ये बंदा इतना चलाक और झूठा है ना, इसने इतने इंटरव्यू लिए सेलिब्रिटी को, पर एक भी बंदे को नौकरी नहीं दी, इंटरव्यू इंटरव्यू लेते रहता है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।